जय हिंद गाइस। सो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो कोर्स की फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट उसका कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है जो UDRC लॉगिन है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, देन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट इज लॉगिन, सेकेंड इज रजिस्टर एंड सेकेंड इज लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर आपने पहले से यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस जो आपका जो आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। सो वहाँ से आपको रोल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको रजिस्टर, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है लॉगिन के बगल में, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का करके दिखाता हूँ आपको, उसका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो मैंने यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। सो अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं, देखते हैं आगे कैसे यहाँ पे इंटरफेस आता है। देखिए ये पूरा इंटरफेस आएगा, इसे एडिट प्रोफाइल्स एंड यहाँ सब अलॉटमेंट लेटर, फी सबमिशन, फी रिसिप्ट। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले से ही यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स दे दी है, इसलिए ऐसा इंटरफेस आ रहा है। आप लोग जब रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, आपके सामने कुछ और इंटरफेस आएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, कुछ मैंडेटरी डिटेल्स भी होंगी जिसमें स्टार लगा होगा वो आपको फिल्स करनी पड़ेंगी। नॉर्मल डिटेल्स रहेंगी, आपका एड्रेस वगैरह या फिर आपका जो ब्लड, जो आपका होता है ब्लड ग्रुप, वो चीज़ फिल करनी पड़ेगी। और वो सब करने के बाद तब आपको यहाँ पे फी सबमिशन आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, तब आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस बनेगा। सो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस है, मोड ऑफ फीस पेमेंट यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, और 50,000 से अगर ऊपर है तो वहाँ पे हम इसको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। सो ये सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे की फीस है और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। आपको दिखाते हैं कि कैसे सबमिट किया जाता है। सो ये आप देख सकते हैं मोड ऑफ फीस पेमेंट, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। मल्टीपल कार्ड्स पेमेंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ 48 घंटे लगे, 48 आवर्स बाद हो सकता है आपको वो मिले कन्फर्मेशन जो आपका फी पेमेंट है, और हो सकता है कि तुरंत भी मिल जाए। सो यहाँ पे आप ऑनलाइन करिए, बेटर ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे प्रोसीड का बटन है, यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन आपको प्रोसीड वाले उस पर क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ जब इंटरफेस आएगा तो आपको नीचे जाना है, वहीं प्रोसीड वाले पे जाना है बटन पे। यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑनलाइन आपको फीस पेमेंट करनी है, ठीक है, प्रोसीड कर दीजिए। और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन फुल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको पेमेंट वाले पे हम क्लिक करेंगे। जो नंबर है वो आप नंबर नोट कर लीजिए, अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे 10 से 6 के बीच में कॉल करके यहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे मैं पेमेंट ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे चीज़ क्या क्या चीज़ें मांगता है और कैसे पेमेंट हमको करनी है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पेमेंट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि आगे क्या प्रोसेस होगा। तो ये क्लिक कर दिया मैंने, अब यहाँ पे कुछ वेटिंग के लिए बोल रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश मत करेगा इसको बार बार, अदरवाइज आपका पेमेंट कट जाएगा और यूनिवर्सिटी को नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए रिफ्रेश मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है अगर तो टाइम लेने दीजिएगा। टाइम लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे इसने ये दिखा दिया कि असुरक्षित है और ये सब, तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे इसको। अगर हमने पीछे किया तो हमारा फिर वो प्रोसेस पूरा कैंसिल हो जाएगा पेमेंट का। सो हमने कंटिन्यू कर दिया है आगे, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अगेन टाइमिंग ले रहा है, हो सकता है आपके में ना ले क्योंकि डिफरेंट टाइम, अब मैं जिस समय कर रहा हूँ उस समय सर्वर की हो सकता है दिक्कत हो या ना हो, ठीक है, तो हो सकता है आपके में भी टाइमिंग ले या ना ले, तो वो डिपेंड करता है सर्वर पे। सो फाइनली यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है मेक पेमेंट का, अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे। आप अपने हिसाब से डेबिट कार्ड या जो भी आपका है क्रेडिट कार्ड, उसके हिसाब से आप अपनी वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड यहाँ पे ढूंढूंगा, मेरा SBI का है तो मैं यहाँ पे उस चीज़ का यहाँ पे रुपए वाला यहाँ पे जो भी है अपना डिटेल डाल के सब आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, और जो भी आपका कार्ड नंबर है आपका उसको सिक्योरली यहाँ पे डालिए और आराम से यहाँ पे सारी चीज़ों को देख के फिल करके, एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेमेंट आपको करके दिखाता हूँ अभी। सो ये आपने देखा, उसके बाद यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ऐसा कुछ मांगेगा, टोटल अमाउंट दिखाएगा, आप वहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा उसको। मेक पेमेंट करने के बाद फिर से
यहाँ पे फिर से कुछ समय लेगा ये, और देखते हैं कितना समय लेता है। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। रिफ्रेश मत करिएगा किसी भी कॉस्ट पे, जो चीज़ ये प्रोसेस हो रही है उसको होने दीजिएगा। सो ये प्रोसेस पूरा हो रहा है और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है अभी। होप सो कि मेरा पेमेंट हो जाए इनका जो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये बस होने ही वाला है आई थिंक सो। कुछ डिटेल्स मांगेगा क्या अभी? हाँ अभी डिटेल्स मांगेगा ये। ओके ये ओटीपी मांग रहा है अब ये। सो यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं जो भी मेरे को आया है ओटीपी। सो यहाँ पे जो भी आपको ओटीपी आएगा वो आप डाल दीजिएगा। थोड़ा सा सर्वर की दिक्कत है इस समय, इसीलिए ये जो है यहाँ पे लेट चल रहा है, वरना सही चलता है। सो अपना जो है ओटीपी डाल के आप अपने यहाँ पे मेक पेमेंट कर दीजिए, एंड देन आपके सामने कुछ जो इंजेनिको आई थिंक सो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है पेमेंट के लिए जो इन्होंने लिया है। और यहाँ पे देखिए बस ये थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ये सर्वर की दिक्कत है। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। रिफ्रेश नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? रिफ्रेश मत करेगा किसी भी कीमत पे, बस होने ही वाला है। ये देखिए फाइनली इसने सक्सेस का यहाँ पे बोल दिया, मेरे को मैसेज दे दिया। इसका मतलब है कि जो हमारा पेमेंट है वो हो चुका है। अब इसने फिर से यही दे दिया कि आपको जानकारी सबमिट करने में सुरक्षित नहीं है। कोई बात नहीं, फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और ट्रांजेक्शन नंबर, अब आपके सामने वो फिर से रिलोड होकर देखते हैं। यहाँ पे रिलोड हो रहा है, ये देखिए आ गया है। अब यहाँ पे अगर रिसिप्ट पे अगर हम क्लिक करें पेमेंट रिसिप्ट पे, तो देखते हैं पेमेंट रिसिप्ट आती है कि नहीं आती है। अभी पेमेंट स्टेटस तो नहीं दिखा रहा है, तो ये पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर दिया है। नो रिकॉर्ड फाउंड इसने दिखाया है। चलिए अब यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, दिखाएगा वैसे कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ही। अगर यहाँ पे देखते हैं फी सबमिशन, फी रिसिप्ट देखते हैं। फी रिसिप्ट में देखेंगे आप तो यहाँ पे ये देखिए ये दिखा रहा है, ये तो पुरानी वाली है इस बच्चे की, वो दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए इसने सेकंड वाला अभी यहाँ पे, अच्छा फी सबमिशन फिर से करते हैं हम। फी सबमिशन पे फिर से किया है क्लिक मैंने, देखते हैं अभी क्या होता है ऑप्शन। यहाँ कुछ तो शो होना चाहिए क्योंकि मेरा सक्सेस। ओके सो ये फाइनली आ गया है। मैं डेट चेक कर लूँ एक बार, ट्रांजेक्शन डेट। ओके सही है। सो ये अब देखिए ये वाला जो अभी पेमेंट किया था उसकी रिसिप्ट ये है, फाइनली मेरे को मिल गई। तो आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? चाहे वो ऊपर वाला हो फी सबमिशन का, चाहे वो नीचे वाला हो। सो ऐसी आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर लीजिए और इसको पीडीएफ फाइल में सेव कर लीजिए। अदरवाइज आप जो लॉगिन है, लॉगिन की डिटेल्स है, वो भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पास में आपके अकाउंट में अवेलेबल रहेगी, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड जो भी मेरे को लगा कि ये शेयर करना चाहिए, तो मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी आई तो मैंने कहा ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और मजे काटिए।